गए वो दिन जब हम सिर्फ एक ही कलर की पार्किंग लाइट्स को यूज किया करते थे। अब तो एक ही लाइट पर न जाने कितने सारे कलर्स को चेंज किया जा सकता है, वो भी एक छोटे से रिमोट की मदद से। और इतना ही नहीं, कलर चेंज के अलावा अपनी लाइट्स पर मोड भी चेंज कर सकते हैं कि कौन सी लाइट कब कैसे ग्लो करेगी। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं लाइट्स के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको मिलाना चाहूंगा सौम्य रॉय से, जो कि एक सक्सेसफुल ऑनलाइन ट्रेडर हैं और अपने यूट्यूब चैनल कैसे पैसा बनाओगे पर ऑनलाइन ट्रेडिंग सिखाते हैं और साथ ही में अपने ट्रेवल एक्सपीरियंस के ब्लॉग भी शेयर करते हैं। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग सीखने के लिए और उनके ट्रेवल ब्लॉग्स देखने के लिए आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसको एक बार जरूर चेकआउट करें। और ये रहा उनके चैनल का एक ट्रेलर। Hello everybody, this is Soumya Roy. I am a trader and a traveler. I love trading because it allows me to be myself and helps me to explore new places and learn interesting things. I want to share my trading experiences and useful trading methods with you all. Also, I will guide you all to invest in the best possible way and share my traveling experiences around the world. Please follow my YouTube channel and learn how to make money online with my trading signals. Let's earn together, guys. तो दोस्तों कुछ इस तरह के पैकेट में हमको ये दोनों पार्किंग लाइट्स देखने को मिल जाती हैं और इनको कहा जाता है कलरफुल लाइट विद रिमोट कंट्रोल। और मैंने इनको लिया है लोकल शॉप से 400 रुपए में और ऑनलाइन भी आपको समथिंग इतने ही प्राइस में मिल जाएगा। तो मैंने इसको बाय करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से जाकर इसको बाय कर सकते हैं। पैकेट की पीछे की तरफ यहाँ पर रिमोट कंट्रोल के सारे फीचर्स बताए गए हैं और आप चाहें तो यहाँ पर वीडियो पॉज कर देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको आगे इस रिमोट कंट्रोल के सारे फीचर्स बताने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से इसको खोल लेते हैं। तो दोस्तों ये रहे हमारे दोनों पार्किंग लाइट्स और ये रहा हमारा रिमोट कंट्रोल। तो सबसे पहले हम इन पार्किंग लाइट्स को अच्छे से देख लेते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इन पार्किंग लाइट्स पर कोई भी कांच नहीं है, गम जैसी चीज़ लगी हुई है, रबर जैसी, तो यहाँ पर इनकी टूटने फूटने का भी कोई टेंशन नहीं है। और जो ये रबर लगी हुई है, रबर के अंदर सारी चीज़ों को जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है लाइट के, उनको सिक्योर कर दिया गया है। और इन दोनों लाइट्स पर सेंसर लगे हुए हैं जो कि हमारे रिमोट से आने वाली आईआर रेस को कैच करेंगे, उनके सिग्नल्स को लेंगे और जिस भी कलर का कमांड आप अपने रिमोट कंट्रोल से भेजेंगे वो ये लाइट्स एक्सेप्ट करेंगे और उसी कलर में लाइट ग्लो हो जाएंगी। तो दोस्तों ये पार्किंग लाइट्स आती हैं T10 सॉकेट टाइप में, मतलब कि हमारे जितनी भी बाइक या स्कूटर्स हैं जिनमें पार्किंग लाइट्स लगी हुई हैं आप उनमें ये वाली पार्किंग लाइट लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा इसका रिमोट कंट्रोल और इस पैम्पलेट पर इसके सारे फीचर्स बताए गए हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ मेन फीचर्स बता देता हूँ। बाकी वीडियो में आगे हम उन सारे फीचर्स को यूज़ करने वाले हैं। तो जो मुझे इसके सबसे मेन फीचर्स लगे वो है कि हम इन लाइट की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी लाइट कितनी ब्राइट देखनी है हमको, किसको कितनी ब्राइटनेस लेवल कम करना है, कौन सा कलर चेंज करना है हमको किस लाइट का, मतलब आप इंडिविजुअल लाइट पर भी कलर चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों कब कौन सा आपको इस पर मोड लगाना है, जैसे कि स्ट्रोब, स्मूथ, अलग अलग इसमें मोड दिए गए हैं, तो वो सारे मोड इस पर काम करते हैं इन दोनों लाइट पर। और दोस्तों कई लोगों के मन में रहता है कि ये रिमोट कंट्रोल कुछ दिन बाद तो ख़राब हो ही जाएगा, इसका सेल ख़राब हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, इस रिमोट कंट्रोल में आप यहाँ से खोल कर ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है। अगर आपका रिमोट कंट्रोल कुछ मतलब काम नहीं करता है बाद में आगे चलकर, तो आप इस सेल को सिंपली चेंज कर लीजिए, ये सेल आपको कहीं भी मिल जाएगा आराम से। तो आप चेंज करेंगे तो आपका रिमोट कंट्रोल फिर से काम करने लगेगा। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर इन चीज़ों की बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी, तो अब चलिए फटाफट से हम जाकर इनको अपनी बाइक पर इंस्टॉल करते हैं और इनकी वर्किंग आपको बताते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो इन लाइट को लगाने के लिए सबसे पहले हमको अपनी बाइक का मास्क खोलना होगा, जिससे जो हमारी स्टॉक लाइट लगी हुई है उनको हम निकाल कर ये वाली लाइट से चेंज कर दें। तो चलिए फटाफट से बाइक का मास्क खोल लेते हैं। तो दोस्तों हमने मास्क खोल लिया है और इस तरह से हमारी बाइक पर ये पार्किंग लाइट लगी हुई होती हैं। तो सिंपल हमको इसको प्लग इन प्ले वाला काम रहता है, इसको हमको निकालना है और जो हमारी ये न्यू पार्किंग लाइट है, कलरफुल पार्किंग लाइट है, इनको हमें सिंपली दोनों सॉकेट पर लगा देना है। तो इस तरह से हम इन दोनों सॉकेट पर इन पार्किंग लाइट्स को लगा लेंगे
और इनको लगाने के बाद सिंपली हमको वापस से जहाँ से हमने जैसा निकाला है मास्क को हमको वापस से उसी तरीके से फिट कर देना है। तो चलिए फटाफट से मास्क को वापस से फिट कर देते हैं और देखते हैं हमारी बाइक को इन लाइट से कैसा कुछ लुक देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों जैसे ही आप पार्किंग लाइट्स को ऑन करेंगे आप देखेंगे आपकी लाइट्स अलग अलग कलर में ग्लो कर रही होंगी। तो फिर आपको जिस भी कलर में आपकी पार्किंग लाइट्स को चेंज करना है आपको सिंपली रिमोट को पार्किंग लाइट्स पर पॉइंट करके किसी भी कलर का बटन आपको प्रेस करना है तो उस कलर में आपकी पार्किंग लाइट्स चेंज हो जाएंगी। आप यहाँ पर इंडिविजुअल लाइट पर भी कलर चेंज कर सकते हैं और दोनों पर एक साथ भी चेंज कर सकते हैं। तो जब आप किसी एक लाइट पर पॉइंट करेंगे तो बस उसी लाइट का कलर चेंज होगा और जब आप थोड़ी दूर से पॉइंट करेंगे तो दोनों लाइट का कलर एक साथ चेंज हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमको कलर चेंज के अलावा चार अलग अलग तरह के मोड दिए गए हैं कि कब कौन सी लाइट किस तरह से ग्लो होगी। तो यहाँ पर हमको मिल जाते हैं फ्लैश, स्ट्रोब, स्मूथ, फेड। तो आप इन लाइट पर इन चार अलग अलग मोड का मजा ले सकते हैं। किसी भी लाइट पर आप कोई भी मोड चला सकते हैं और दोनों लाइट पर भी आप उसी सेम मोड को चला सकते हैं। बात की जाए नाइट टाइम की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लुक हमको यहाँ पर ये पार्किंग लाइट्स दे देती हैं। मतलब आप जो कलर चाहें वो कलर आप इन लाइट पर ग्लो करा सकते हैं, अलग अलग मोड से भी ग्लो करा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो अभी मैंने इन दोनों लाइट्स पर डिफरेंट मोड चला दिए हैं तो यहाँ पर एक काफी बढ़िया लुक हमको देखने को मिल जाता है। और दोस्तों जो इन लाइट की सबसे अच्छी बात और सबसे खास बात है वो ये है कि आप इन लाइट की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं रिमोट की मदद से। मतलब आपको आपकी ब्राइटनेस कितनी रखनी है इन लाइट की वो भी यहाँ पर आप रिमोट से ही सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर राइट साइड की लाइट की ब्राइटनेस कम की और अब मैं यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड की भी करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह से आप कम कर सकते हैं ब्राइटनेस को। और बढ़ाने के लिए दोस्तों आप देखिए मैं यहाँ पर दोनों लाइट का साथ में बढ़ाते जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा ब्राइटनेस, तो यहाँ पर आपको अलग से ही फर्क देखने को मिल रहा होगा। और आप जितनी भी ब्राइटनेस जो भी मोड या जो भी कलर आप एक बार सेट कर देंगे वही कलर इस पर रहेगा जब तक आप दूसरी बार चेंज नहीं कर देते। ऐसा नहीं होगा कि आपने बाइक बंद करके चालू की तो सब कुछ रीसेट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप अपनी बाइक पर प्रोजेक्टर लैंप यूज करते हो जिस तरह मैं कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं लुक वाइज काफी बढ़िया हो जाती है बाइक इन कलरफुल पार्किंग बल्ब को लगाने के बाद। और जो यहाँ पर पार्किंग बल्ब और प्रोजेक्टर का कॉम्बिनेशन हो रहा है वो यहाँ पर देखने में काफी बढ़िया लग रहा है और जब हम इन पर मोड चलाते हैं तब तो और ही बढ़िया लुक हमारी बाइक को मिल जाता है। तो ओवरऑल बात की जाए तो प्रोडक्ट अच्छा है, प्राइस वाइज भी ठीक है, लेकिन हो सकता है कहीं और आपको ये और सस्ते में मिल जाए तो आप एक बार अपने लोकल मार्केट में पहले चेक करें। अगर नहीं मिलता है तो मैंने बाय करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है तो फिर वहां से जाकर आप इसको बाय कर सकते हैं। तो यार बस यही था इन लाइट का रिव्यू और इंस्टॉलेशन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए इसी तरह की बाइक से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ, इसलिए मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching.